हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधांशु में। तो आज हम लोग देखने वाले अनुक्रम तथा श्रेणी के सभी फार्मूले और एक एक उदाहरण के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी के सभी फार्मूले। तो फार्मूले देखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब हमारी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी क्लास 11th को बहुत ही टफ चैप्टर है, तो इसमें का फार्मूला देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा देख लेते हैं, अंतिम पद ना दिया हो तो एनवा पद। अंतिम पद ना दिया हो, जैसे एनवा पद, अंतिम पद ना दिया हो तो एनवा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा। तो हम एक उदाहरण देख लेते हैं, उसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डू डी। तो उदाहरण देख लेते हैं, श्रेणी 4, 8, 12, 16 में कौन सा 500वां पद होगा। तो एनवा पद वाला फार्मूला लगाएंगे, तो कौन सा पद 500वां पद होगा, 500 पद होगा। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा एन दिया है, तो एन यहाँ पर रख देंगे, और ए दिया है, चार दिया है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, एन माइनस वन इंटू डी। इसका सर्वांतर क्या होता है, 8 - 4 = 4 आएगा, तो यही 4 रख देंगे यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 4 × 5 = 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, तो 4n = 500 तो आएगा 125। तो जब d निकालना रहता है तो t2 - t1 करते हैं, ये t1 हो गया, ये t2 हो गया। ठीक है, तो n बराबर आ गया 125वां पद, n बराबर आ गया 125वां पद। तो इसी तरह करना है, आप लोग सवाल देख लीजिए, ये दिया रहेगा, इस तरह आपको इसको निकालना पड़ेगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो nवां पद दिया रहा, nवां पद निकालना, nवां पद में मतलब nवां पद दिया है कि 500 पद में कौन सी संख्या, मतलब 500 पद किसका होगा। तो 4 + n - 1 × 4 होगा तो ये आएगा, और 500 आएगा तो इसको 25 हो जाएगा, और सर्वांतर निकालना है t2 - t1 = 4 आ जाएगा, तो n बराबर 125वां पद आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतिम पद ना दिया हो तो अंतिम पद, जैसे इसमें दिया था अंतिम पद, इसमें दिया था 500, तो इसमें अंतिम पद ना दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो l = a + n - 1 × d तो हो जाएगा, l = a + n - 1 × d हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं, 3, 5, 7, 51 में कुल कितने पद होंगे। तो 51 दिया है, l हमारा 51 है, तो 51 यहाँ पे रख देंगे, तो a है हमारा 3 और n - 1 × d है, तो d हम लोग को निकालना पता है, अभी मैंने बताया कि d = t2 - t1 होता है, तो t2 - t1 रखेंगे तो 2 आएगा, तो 2 रखेंगे तो 3 + 3 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 × 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2n - 2 हो जाएगा, और ये 2n = 50 आ जाएगा, तो 25n = 25 आएगा। ठीक है, तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप लोग, अंतिम पद ने दिया हो तो l = a + n - 1 × d होता है। अब एक और देख लेते हैं, अगर अंतिम पद ना दिया हो तो nवां पद का योगफल, अंतिम पद ना दिया हो तो n पदों का योगफल। तो इसका फार्मूला होता है, n पदों का योगफल (n/2) 2a + n - 1 × d। तो इसका फार्मूला होता है (n/2) 2a (n - 1 × d। तो इसको देख लेते हैं, 4, 8, 12, 16 और 124 पदों का योगफल कितना होगा। तो a दिया है, n दिया है 24, 124, डी निकालना है, तो डी आपको पता है (d = t2 - t1 होता है, तो यहाँ पे t2 - t1 लगा देंगे। तो s 124 पद का निकालना है, तो 124/2 2 × 4 + 124 - 1 × 4 होगा, क्योंकि n वा पद है 124, तो 124 यहाँ पे रख देंगे, 2 हमारा फार्मूला था, a हमारा 4 है, तो 4 यहाँ पे, d सर्वांतर कितना है 4 आया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। तो 124 पदों का योगफल कितना आ गया, 31,000। 124 पदों का योगफल कितना आ गया, 31,000। तो फार्मूला हमने 3 फार्मूले बताए हैं, n पदों का योगफल (n/2) 2a + (n-1) × d होता है, (l = a + n-1) × 2 अंतिम पद ना दिया हो, और nवां पद दिया हो तो (a + n-1) × 2। तो 3 फार्मूले हैं, देख लीजिए, एक ये है, एक ये है, और एक फार्मूला ये है। ठीक है, तो अब आई होप समझ में आ, अगर अब देख लेते हैं, अगर अंतिम पद पता हो तो nवां पद, अगर अंतिम पद पता हो तो nवां पद, तो (Sn) (n/2) (a + l) हो जाएगा। ठीक है, (Sn) (n/2) (a + l) अभी मैंने बताया, a जो होता है प्रथम पद होता है, l जो होता है आखिरी पद होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं,
गुणोत्तर श्रेणी में आते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में तो गुणोत्तर श्रेणी का अनुपात ए आर एन माइनस वन अंत से अनुपात ए एल अपॉन आर एन माइनस वन होता है। एन पदों का योगफल ज्ञात करना है अगर सर्वानुपात एक से छोटा हो। सर्वानुपात आपको पता होना चाहिए टी टू अपॉन टी वन होता है, ठीक है। सर्वानुपात होता है टी टू अपॉन टी वन होता है। तो एन पदों का योगफल ज्ञात करना है अगर सर्वानुपात एक से छोटा हो। तो एक से छोटा हो एन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो एस इक्वल टू ए वन माइनस आर एन अपॉन वन अपॉन आर एस इक्वल टू वन अपॉन एस इक्वल टू ए ब्रैकेट में वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर एक से बड़ा हो तो एस इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अगर एक से छोटा हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, एक से बड़ा हो तो ये वाला लगेगा। और अनंत पदों का योगफल होता है एस इक्वल टू वन माइनस आर, अनंत पदों का होता है एस इक्वल टू वन माइनस आर, ठीक है। जैसे अनंत पद दे दिया कि अनंत पद में कितने योगफल, अनंत पदों का योगफल बताइए तो एस इक्वल टू वन माइनस आर लगाइएगा, ठीक है। आर आर को कहते हैं सर्वानुपात, ठीक है। सर्वानुपात वही होता है डी टू अपॉन टी वन। तो अब गुणोत्तर माध्य इसका क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है रूट में ए बी। गुणोत्तर माध्य याद कर लीजिएगा रूट में ए बी। देख लेते हैं समांतर श्रेणी में कोई तीन संख्या लेनी पड़े तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी लेते हैं। और समांतर श्रेणी में कोई चार संख्या लेनी हो तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी होते हैं। और समांतर श्रेणी में कोई पांच संख्या लेनी हो तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी होता है, ठीक है। अब गुणोत्तर श्रेणी देख लेते हैं, आप लोग समझ में आएगा। जब कोई संख्या लेनी हो तो ए माइनस डी ए प्लस डी ए ए प्लस डी। और समांतर श्रेणी में कुछ चार संख्या लेनी हो तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए ए प्लस थ्री डी। समांतर श्रेणी में कोई पांच संख्या लेनी हो तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए ए प्लस टू डी, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी आइए देख लेते हैं, अब सवाल देख लेते हैं मतलब कैसे क्या होता है इसका वो होता है। मान लीजिए ये दिया है सर्वानुपात हमको ज्ञात करना है, सर्वानुपात टी टू अपॉन टी वन होता है, टी थ्री अपॉन टी टू, टी फोर अपॉन टी टू, तीनों का सर्वानुपात बराबर होना चाहिए तभी वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा। सर्वानुपात एक है तो गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। सर्वानुपात गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन होता है, जहाँ टी एन होता है एनवा पद, ए होता है प्रथम पद, आर होता है सर्वानुपात और एन होता है एन पदों की संख्या। अंत से गुणोत्तर श्रेणी एल एल अपॉन आर एन माइनस वन होता है, जहाँ एल होता है अंतिम पद। अब गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों का योगफल अगर आर बड़ा हो एक से तो आर एन माइनस वन लगाएंगे एस इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। अगर एक छोटा हो आर से तो वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर। अगर होगा एल एन ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो अगर अंत से निकालना हो, अंत से एन पदों का योगफल निकालना हो तो आर बड़ा हो अगर तो एस एन बराबर आर एल माइनस ए होता है। अगर आर एक बड़ा हो तो ए माइनस करते हैं आर एल वन माइनस आर करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अगर इन पदों का योगफल निकालना हो, अगर आर बड़ा हो तो ये वाला, अगर एक बड़ा हो तो ये वाला, और अंत से निकालना हो तो आर बड़ा हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, आर छोटा हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल बराबर ए अपॉन वन माइनस आर होता है। अब जैसे हमको कोई क्वेश्चन दे दिया गुणोत्तर श्रेणी में ए आर ए ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर फोर ए आर एन तक दे दिया, तो इसमें को हमको बताना कहेगा कि ये बताओ कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमको निकलना पड़ेगा ए ए बी सी आर एन जी पी, तो इसमें लगाना पड़ेगा टी टू अपॉन टी वन, सर्वानुपात निकालना पड़ेगा टी टू अपॉन टी वन, टी थ्री अपॉन टी टू, और फिर इसके बाद हो जाएगा टी टू स्क्वायर टी थ्री इंटू टी वन, टी थ्री स्क्वायर। अगर दो राशियाँ ए विधि हुई हो तो गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो वन एम इक्वल टू रूट में ए बी। अगर दो संख्याएं ए बी के बीच का गुणोत्तर माध्य रखने में हो तो ए इक्वल टू जी ए कामा जी वन जी टू जी थ्री डॉट डॉट जी एन बी। तो टी वन इक्वल टू हो जाएगा ए, एल इक्वल टू हो जाएगा बी, और एन इक्वल टू एन प्लस टी टू हो जाएगा। तो एल इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, बी इक्वल टू ए ए आर एन टू प्लस माइनस वन, और बी बी इक्वल टू ए आर एन प्लस वन हो जाएगा। तो आर जहाँ होगा बी प्लस ए बी अपॉन ए इस ब्रैकेट में, और ए अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा। तो जहाँ जी वन इक्वल टू ए आर होगा और
ए बी ए वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन जी टू इजकल टू ए आर स्क्वायर होता है, तो ए बी वन बी अपॉन ए टू अपॉन एन प्लस वन डॉट डॉट इसी तरह ए आर बी प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, टी वन हमको निकालना था टू वन हो जाएगा और एल इजक्ल टू बी हो जाएगा, ये एल बी दिया है, और एन निकालना है तो एन प्लस टू हो जाएगा, एन जो होता है एन पदों का योगफल, तो एन एन अपॉन टू एन प्लस टू हो जाएगा। तो हमको निकालना है एल एल बराबर ए आर मेन माइनस वन, बी बी निकालना है तो उसमें दो हो जाएगा क्योंकि एन इजक्ल टू दो दिया, एन प्लस टू दिया तो एन प्लस टू हो जाएगा, और बी इजक्ल टू कुछ नहीं दिया है तो एन प्लस वन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्य जैसे निकालने का, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो अब गुणोत्तर माध्य में कोई संख्या लेनी हो तो तीन संख्या लेनी हो तो ए अपॉन आर ए ए इंटू आर होगी, और गुणोत्तर श्रेणी की कोई चार संख्या लेनी हो तो ए अपॉन ए अपॉन आर ए आर ए अपॉन आर ए ए इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ए बी सी इन जी पी हो, मान लीजिए ए बी सी आर इन जी पी हो, तो टी ये ए बी टी वन टी टू टी थ्री हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, मैं भी मैंने बताया था टी टू अपॉन टी वन टी थ्री अपॉन टी टू, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो टी टू का स्क्वायर हो जाएगा, टी थ्री इक्वल टू टी वन होता है, तो अगर आर इन जी पी कह दे तो ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, आर इन जी पी कह दे तो ये फार्मूला लगेगा, मैंने अभी बताया था आप लोग को आर एन जी पी कहते तो ये फार्मूला लगेगा, तो लगाएंगे यही फार्मूला, ये देखिए आप लोग लिखा है ये फार्मूला, तो इसके बाद बी अपॉन ए ये लगेगा, तो बी स्क्वायर अपॉन सी, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाएगा, तो बी इक्वल टू ए आर होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए आर होता है, तो सी इक्वल टू बी आर होगा और सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर होगा। ठीक है, माना ए बी सी डी आर एन जी पी है, तो वही फार्मूला बी इक्वल टू अभी हमने निकाला ए आर निकाला और सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर निकाला, तो आर इक्वल टू टी अपॉन टी फोर अपॉन टी थ्री, तो डी सी अपॉन हो जाएगा, डी इक्वल टू सी आर हो जाएगा, तो डी इक्वल टू ए आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एक बार फिर से, बी सी इक्वल टू इतना दिया है और सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर दिया है, तो टी फोर अपॉन टी थ्री लगाएंगे तो डी सी हो जाएगा, तो डी सी डी निकालना है तो डी इक्वल टू सी आर स्क्वायर होता है, तो सी आर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, आप करिएगा गलती हो गई है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा और टी फोर बराबर दिया है हम लोग को डी डी दिया है, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर ए एस ए आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो वीडियो ख़त्म होता है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।